राजीव भवन में आज जिला युवक कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें देश में बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में बैठक रखी गई थी। बैठक में जिला युवा कांग्रेस एकलव्य अहके के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में गंगा प्रसाद तिवारी, संजय श्रीवास्तव, जुन्नार देव, विधायक सुनील उइके, जिला अध्यक्ष ओकटे और अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। बैठक में अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उसके बाद जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस पैदल मार्च करते हुए फव्वारा चौक पहुंचा और महंगाई के विरोध में नारेबाजी की और मोदी सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की गई। इसी बीच शासन के द्वारा वाटर कैनन का उपयोग किया गया और युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य अहके के साथ झूमा झटकी हुई। आज युवक कांग्रेस के तत्वाधान में बढ़ती महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, इस तीन महीने में चालीस रूपए के दाम डीजल और पेट्रोल में डाले बढ़े हैं। जो डीजल 110 रुपए हो गया है, पेट्रोल 115 रुपए हो गया है, इससे दैनिक उपभोग की जो चीजें वो महंगी होती चली जा रही है। ट्रांसपोर्टिंग मार्केट में वस्तुएं ज्यादा चार्जेस लगने के कारण वस्तुएं महंगी होती चली जा रही हैं, जिससे आम जनता आक्रोश में है। उनकी आवाज को बुलंद करते हुए आज युवक कांग्रेस ने राजीव गांधी भवन से फव्वारा चौक तक रैली निकालते हुए फव्वारा चौक में मोदी सरकार का पुतला दहन किया। और मोदी सरकार का यदि पेट्रोल और डीजल के दाम में वो कमी नहीं करती है तो ये पूरा छिंदवाड़ा बंद का आह्वान युवक कांग्रेस के तत्वाधान में किया जाएगा। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।